हेलो पीपल, आई वेलकम यू ऑल टू कॉलेज डायरीज। आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 3। और इसमें शुरुआत करते हैं आर्टिकल 25 से। ठीक है, अच्छा लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन फर्स्ट। आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या फंडामेंटल राइट्स के अंदर कौन सा आर्टिकल बात करता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, वन वर्ड है, आंसर इट डाउन इन कमेंट सेक्शन। अब आते हैं आर्टिकल 25 पे। तो सबसे पहले तो यहाँ देखें क्या लिखा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्या है? धर्म का अधिकार होता है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो आर्टिकल 25 जो है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ अ रिलीजन, इसको मैं हिंदी में बोलती हूँ, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अब समझा देती हूँ। देखो, इसका मतलब ये होता है कि आप जो हैं फ्री हैं। किस लिए फ्री हैं? कि रिलीजन जो है, धर्म जो है, आप उसको अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप उसे अपने हिसाब से, आपको अगर कोई रिलीजन मानना है तो ये आपका इशू है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर ये रिलीजन आपका कुछ और है, आप कुछ और कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें स्टेट से मतलब नहीं रखती हैं। आपने क्या करना है, आपका जो बिलीव है, जो आपका विश्वास है किसी भी भगवान के अंदर, अल्लाह के अंदर, बाबा के अंदर, मतलब जैसे कि क्या बोलते हैं, गुरु नानक देव हो गए, इस तरह पंजाबियों के जो होते हैं, तो जो भी है आपका बिलीफ, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप उसे पूज सकते हैं, आप उसकी पूजा कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक अधिकार है, आपका ये इंडिविजुअल राइट है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ ये है कि आपका जो ये अधिकार है, अब जैसे मतलब दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल, स्टेट जो है वो रिलीजन के ऊपर कैसे, जैसे कि आर्टिकल है इसके अंदर, तो अब सिचुएशन ये सोचो, जैसे अभी लॉकडाउन की सिचुएशन है और मन कर रहा है किसी का जागरण करने का, माता जगराता बोला हुआ है, अब क्या करे बंदा? मतलब आई हैव माई फ्रीडम टू वर्शिप। ठीक है, लेकिन और हम पिछले आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग हम एक जगह कलेक्ट भी हो सकते हैं, तो वो भी फंडामेंटल राइट है, तो हमें कोई क्यों रोक सकता है? मतलब क्यों परमिशन चाहिए फिर भाई हमें? नहीं चाहिए, लेते हम परमिशन, हमारी तो फंडामेंटल राइट है ये। तो ऐसा नहीं होता है, ये हमारी इंडिविजुअल राइट है। आप अपने आप खुद ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं है पूरे टब्बर को लेकर बैठ जाएं, ऐसा नहीं करता। तो ये आपकी इंडिविजुअल राइट होती है, स्टेट जो है इसके अंदर हिंड्रेंस डाल सकता है अगर आप उसको कलेक्टिव परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर है आपका आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। कौन सा अफेयर भाई? रिलीजियस मतलब धार्मिक कार्यों को, कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता। अब इसमें कौन कौन से प्रबंध करने हैं? देखो क्या है, फर्स्ट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। कि आप जो हैं, अगर आपका मन कर रहा है कोई रिलीजियस या कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन खोलने का, मेरा मन कर रहा है एक हॉस्पिटल बना लूँ मैं, जैसे आपने मतलब मैंने एक, हमारे उधर है जैन आई हॉस्पिटल करके, तो वो एक इंस्टीट्यूशन है और उन्होंने वो चैरिटेबल बनाया हुआ है, उनका मतलब एक 5 रुपये की पर्ची होती है, तो वहाँ से मतलब आप बना सकते हो, है ना? आपने भी ऐसे एग्जांपल्स देखे होंगे। फिर है टू मैनेज इट्स ऑन अफेयर्स इन द मैटर ऑफ रिलीजन, कि रिलीजन के लिए आप अपने मैटर जो हैं आप उसको खुद से डील कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो मतलब जो प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, दैट इज़ इमूवेबल। वो मतलब वो होती है मूवेबल, कि वो मूव कर सकती है, जो चीज़ मूव कर सकती है वो मूवेबल, और जो चीज़ एक जगह बस रुक गई है वो होती है इमूवेबल। ठीक, तो आप इस तरीके से रिलीजन के हिसाब से कुछ प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं। जैसे मंदिर देखे होंगे, अगर मंदिर है किसी जगह पे, तो और तो उसको जल्दी से मतलब तोड़ा नहीं जा सकता, या फिर मतलब अगर वहाँ से कोई कुछ घर या कुछ रोड कुछ भी होना है
तो उसके लिए थोड़ा देख कर चलना पड़ता है, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, इस तरीके से। रोड वोड चौड़ी होनी होती है तो तब इसमें इश्यूज आते हैं इस तरह के। फिर है टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, लेकिन आपने क्या करना है, लॉ के हिसाब से चीज़ों को चलाना है, ठीक है। तो आर्टिकल 26 के अंदर आपने क्या देखा कि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करेंगे, ठीक। आप अपने इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, दीज आर नॉट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो अगले आर्टिकल्स में पढ़ेंगे, कल्चरल और एजुकेशनल वाले में 30 में पढ़ेंगे वो। अभी ये जो है ये इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, दे आर नॉट स्पेसिफाइंग कि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कि किसी भी तरह का इंस्टीट्यूशन हो सकता है, ठीक। और आप जो हैं रिलीजियस डोमिनेशन नहीं दिखा सकते हैं। आर्टिकल 27 पे आते हैं, ये क्या है कि आप जो हैं किसी भी तरह का टैक्स नहीं ले सकते किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। कि ऐसा नहीं है कि मान लो मैंने कोई मतलब, हाँ जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल प्लीज़, इसको कोई पर्सनल ना ले, इसको मैं अपने ऊपर डाल के एग्जांपल समझा रही हूँ। मान लो राम मंदिर से कोई आया और उसने बोला कि भाई हम ना राम मंदिर से आए हैं और चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, आपने पर्ची कटवानी है। तो मैंने बोला पर्ची किस चीज़ की भाई, कि वहाँ ना मंदिर बनाने के लिए आपने अगर अपना योगदान देना है तो आप पर्ची कटवा लें, ठीक है, फेयर इनफ। अब कटवानी नहीं कटवानी मतलब आपने उसको पेमेंट देनी है या नहीं देनी है, कितने रुपए देने हैं वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि पैसे दो, ठीक है। तो ये तो हो गया इंडिविजुअल चॉइस या फिर आपने चंदा मंदिर की बात हो गई। अब टैक्स भी नहीं होता, ऐसा नहीं है कि भाई जैसे हिस्ट्री में होता था शरीयत ले रहे हैं, इस तरह से रिलीजियस टैक्स ले रहे हैं, इस तरह से नहीं होता है कि अगर आपने कोई मतलब रिलीजन प्रैक्टिस करना है, आप किसी धर्म के हैं तो आपने ये टैक्स देना है, तो ऐसा नहीं होगा इंडिया के अंदर, ठीक। देखो अब 28 पे आते हैं, आर्टिकल 28 क्या है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्कशॉप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। क्या है कि आप अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, शैक्षिक संस्थाएं मतलब आपके स्कूल कॉलेज, आप यहाँ पर आपकी फ्रीडम है। अच्छा, अब वो फ्रीडम किस किस तरह की है, सबसे पहली जो है वो है आपकी, तीन तरीके के इसमें मानो इंस्टीट्यूशंस। एक होते हैं जो पूरे अंडर कंट्रोल होते हैं स्टेट के, मतलब जो सरकारी मान लेते हैं। दूसरे होते हैं एडेड बोल सकते हैं आप उन्हें, मतलब समझाने के तौर पे समझा रही हूँ मैं, कि जिसमें स्टेट का भी हिस्सा है, आपका प्राइवेट भी हिस्सा है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों उसमें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा हो सकता है जो फंडेड है, कि अपना इंस्टीट्यूशन तो प्राइवेट है लेकिन उसमें गवर्नमेंट भी फंड प्रोवाइड कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ सीधा सीधा, कि जहाँ जहाँ गवर्नमेंट का या स्टेट का इंटरफेरेंस है, आप उनसे या तो चंदा ले रहे हैं या उनका कंट्रोल है आपके ऊपर, या वो किसी तरह से आपको पेमेंट दे रहे हैं, पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो अगर ये चीज़ें हैं तो ये जो है मतलब आप फिर वहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये चीज़ें जो हैं वो मान्य होंगी। आप फ्री वहीं हैं जहाँ स्टेट से रिलेटेड चीज़ें हैं। अब आप जो हैं आप पढ़ने लग जाओ, मतलब आपका मान लो स्कूल हो जाए क्रिस्टू ज्योति और वहाँ बोलने लगे कि मैं क्रिश्चियन प्रेयर नहीं गाऊंगा, तो वो स्कूल से बाहर निकालने की हिम्मत भी रखते हैं। आपका फंडामेंटल राइट जो है वो वहीं तक है जहाँ स्टेट से रिलेटेड चीज़ें हैं, और उसमें भी अगर वहाँ से कोई इंस्ट्रक्शन आया हुआ है कि आप लोग ये प्रेयर गाएं या ये नेशनल एंथम इज़ नेशनल, वो तो उसमें तो कोई रिलीजन वाली बात नहीं है, तो वो तो हमें गाना होता है, वो तो मतलब इज अ मोमेंट फॉर ऑफ प्राउड, ठीक है। तो रिलीजन हम जो प्रेयर्स करते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, वो कंपल्शन जो होता है, बोलते हैं ना भाग भाग के कि चलो प्रेयर में यानी रुकना अंदर, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि वो उनकी मर्जी होती है, चित्र ना खा लेना स्कूल में जाके कोई सा। फिर है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ कौन होते हैं, माइनॉरिटीज़ होते हैं आपके जो पॉपुलेशन वाइज कम होते हैं, जिनका नंबर जो है वो कम होता है। देखो पढ़ो इसे, क्या है कि कोई भी एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स में से कोई भी रिजाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, स्टेट के अंदर जो रह रहा है, उसकी लैंग्वेज अलग हो, उसका स्क्रिप्ट अलग हो या उसका कल्चर अलग हो, उसके पास राइट है कि वो उसको प्रोटेक्ट करे, ठीक है। अगला जो है कि कोई भी सिटीजन
इस चीज़ से डिनाइड नहीं किया जाएगा किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। और वो कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगी, या तो उसको स्टेट मेंटेन कर रही हो या स्टेट से वो फंड ले रहा हो, वो स्टेट से फंड ले रहा हो या स्टेट से रिलेटेड हो, मेंटेन कर रहा हो स्टेट उसे, तो इस इन सब में क्या होगा, आपको एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो स्टेट से नहीं है और वो बोलते हैं कि हम अपने रिलीजन के बच्चों को पढ़ाएंगे या रिलीजन प्रैक्टिस कराएंगे, तो वो आपके ऊपर है, आपने वहाँ एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, तो बेसिकली आर्टिकल 29 जो है वो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ पर है, आपने लैंग्वेज यहाँ देखा। फिर आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आप अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, स्कूल खोल सकते हैं, आप जैन विद्या मंदिर खोल सकते हैं, आप क्रिस्टो ज्योति इंटरनेशनल स्कूल खोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, क्योंकि आप उसको क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने रिलीजन को। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। देन आर्टिकल 31 नहीं है, आर्टिकल 31 इज़ रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, जो कि एक पहले फंडामेंटल राइट होता था लेकिन बाद में वो लीगल राइट हो गया, बाद में मतलब 1978 के अंदर लीगल राइट बना दिया था राइट टू प्रॉपर्टी को। ठीक है, और आर्टिकल 32 विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, जो कि रिट्स हैं, रिट्स आर इम्पॉर्टेंट, तो रिट्स हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप मैंने अच्छे से क्लियर किया हो आपको जो भी समझाया है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टाटा, बाय बाय।